नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं मार्च एक का खास पाठ। विश्व स्तर पर 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य महिलाओं व लड़कियों के साथ भेदभाव और असमानता का विरोध करना तथा उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बराबरी के अवसर प्रदान करने के लिए आवाज उठाना है। शून्य भेदभाव दिवस सभी के अधिकारों को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। यह दिन विशेष रूप से UNAIDS जैसे संगठनों द्वारा मनाया जाता है, जो HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के प्रति भेदभाव का विरोध करता है। इसे एड्स कार्यक्रम से जोड़ा जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि मिथकों और गलत धारणाओं के कारण HIV और एड्स पीड़ित लोगों के खिलाफ भेदभाव काफी बड़ा है। एड्स को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से लड़ना बहुत जरूरी है। UNAIDS द्वारा आय, लिंग, आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, व्यवसाय, विकलांगता, यौन उत्पीड़न, नशीली दवाओं के उपयोग, जाति, वर्ग और धार्मिक आधार पर असमानताओं को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। समानता सुनिश्चित करने की दिशा में कई सरकारें और साथ ही गैर सरकारी संगठन भी कार्य कर रहे हैं। विश्व में हर 3 महिलाओं में से 1 महिला हिंसा के किसी न किसी रूप का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में 50% से अधिक महिलाओं ने उनके खिलाफ होने वाली हिंसा की रिपोर्ट की है। इसलिए जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का प्रतीक एक तितली है। और अंत में, क्या आप जानते हैं 1 मार्च 1941 को कैप्टन अमेरिका कॉमिक का पहला अंक टाइमली कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो बाद में मार्वल बन गया। और 1 मार्च 1969 को पहली सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से कोलकाता के बीच चलाई गई थी। और 1 मार्च 1998 को टाइटैनिक $1 बिलियन की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी।